गाइस, वेलकम बैक टू जन्नत फूड जायका। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो देखिए गाइस, ये सब चीज़ें देख के आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि हम क्या बना रहे हैं आज। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन नूडल्स मेरे स्टाइल में। तो शुरू करते हैं हमारी रेसिपी को। मैं बता देती हूँ आपको पहले इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है, मैंने क्या क्या चीज़ कितनी ली है। सबसे पहले मैंने 500 ग्राम्स का बोनलेस चिकन लिया है, जिसे ऐसे छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है और अच्छे से साफ करके इसे धो लिया है। 1 किलो नूडल्स है ये, 50 ग्राम शिमला मिर्च जैसे स्क्वायर टाइप में कट कर लेना है, इसे बारीक बारीक मैंने गाजरों को भी चॉप कर लिया है। 50 ग्राम्स कैबेज है जिसे ऐसे लंबे लंबे स्टाइल में कट कर लिया है। यहाँ पर स्प्रिंग ओनियन है, कांदे की भाजी उसे भी मैंने इस तरीके से कट करके रख लिया है। 3 बड़ी साइज की प्याज है जिसे स्क्वायर टाइप में मैंने ऐसा चॉप कर लिया है। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक टेस्ट के हिसाब से, और हरी मिर्च मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच लिया है। आप अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो और ज़्यादा ऐड करिए, या अगर कम तीखा खाना पसंद करते हो तो इससे आप कम भी कर सकते हो। ये चिंग्स का चाउमीन हक्का नूडल्स मसाला है, ये रेडीमेड आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा कोई भी शॉप में। तो ये हमें इसमें ऐड करना है, ये एक पूरा पैकेट जाएगा हमारा। ये चिंग्स की शेजवान चटनी है, आप कोई भी कंपनी की यूज कर सकते हैं। 2 चम्मच शेजवान चटनी इसमें ऐड करेंगे। विनीगर 1 चम्मच की जरूरत है हमें। रेड चिली सॉस 2 चम्मच, ग्रीन चिल्ली 2 चम्मच, टोमेटो केचप 2 चम्मच, 3 अंडे लेंगे, और डार्क सोया सॉस 1 चम्मच। अजीनोमोटो ऑप्शनल है, अगर आप अपने नूडल्स में ज़्यादा टेस्ट बढ़ाना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारी रेसिपी को। एक तपेली में 4 लोटे से पानी डाल देंगे। दो चम्मच नमक ऐड कर देंगे, आधा नाप तेल ऐड कर देंगे, आधा चम्मच, और हाई फ्लेम पर पानी को बॉईल होने देंगे। यहाँ हमारा पानी बॉईल हो रहा है, दूसरी तरफ हम एक तपेली में चिकन को ऐड कर दिए हैं। इसमें 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, इसे पूरा मिक्स कर देंगे नमक और हल्दी को। आधा ग्लास पानी ऐड कर देंगे ताकि चिकन अच्छे से बॉईल हो जाए हमारा, और वो चिकन भी गल जाए। पानी बॉईल हो चुका है, इसमें नूडल्स ऐसे तोड़कर हमें ऐड करना है सारे नूडल्स को। सभी नूडल्स को हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर, और अभी हाफ कुक करना है हमें। इसे ढक्कन से ढक देंगे और वेट करेंगे 2-3 मिनट। देखिए चिकन भी गल चुकी है, पानी को ड्राई करके लेना है हमें, पानी सुखा लेंगे। हमारे नूडल्स हाफ बॉईल हो चुके थे, हमने इसे ड्रेन आउट कर दिया है और इस पर चिल्ड वाटर डालकर इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। चिकन का भी पानी पूरा ड्राई हो चुका है, अब हम अंडा बनाकर लेंगे, ऑमलेट बनाएंगे हम। 3 अंडे मैंने इसमें डाल दिए हैं फोड़कर, इस पर नमक और थोड़ा ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, इससे टेस्ट आएगा। अंडे को फेंट लेंगे अच्छे से। चीला बनाकर ले लेंगे अंडे का इस तरीके से। आप डायरेक्टली भी अंडे फोड़कर डाल सकते हो नूडल्स बनाने की शुरुआत में, लेकिन हम इस तरीके से बनाते हैं, आप
आपको जिस तरीके से बनाना है आप बना सकते हो। देखिए ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं हमने। अब एक बर्तन में हमें ऑयल ऐड करना है। 4 चम्मच तेल डाल रहे हैं हम। तेल गरम हो चुका है, इसमें हमने प्याज ऐड कर दी है। प्याज को 2-3 मिनट तक तेल में सौटे कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे और इसे प्याज के साथ भून लेंगे हम। स्प्रिंग ऑनियंस भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी हमने इसका सिर्फ व्हाइट पार्ट ऐड किया है, ये ग्रीन पार्ट हम बाद में डालेंगे। शिमला मिर्च और गाजर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। कितना मस्त कलर आ रहा है देखिए, व्हाइट, ग्रीन, रेड, ये येलो, ये ग्रीन, कलरफुल नूडल्स बनने वाले हैं हमारे। नमक भी ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। हमने चिकन में भी ऐड किया था नमक, नूडल्स में भी ऐड किया था नमक बॉईल करते वक्त, तो आप अभी ध्यान से अपने अंदाजे से नमक को चेक करके डालेंगे ताकि नमक ज़्यादा ना हो। अब इसे हम ढक्कन से कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे सारी सब्जियों को सॉफ्ट होने देंगे। अभी भी ऐड कर देंगे इसमें। सारी सब्जियों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। भी ऐड कर देंगे स्प्रिंग ओनियन का ये जो ग्रीन वाला हिस्सा था, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इन सब चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। बहुत अच्छी देखिए खुशबू आ रही है और वेजिटेबल्स तो सेहत के लिए हेल्दी ही होती हैं। ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर देंगे। नूडल्स ऐड कर देंगे अब हम। देखिए हमने नूडल्स को ऐड कर दिया है। 2 चम्मच शेजवान चटनी ऐड कर देंगे। डार्क सोया सॉस 1 चम्मच ऐड कर देंगे। 2 चम्मच केचप ऐड कर देंगे। 1 चम्मच विनेगर भी ऐड कर देंगे। 2 चम्मच ग्रीन चिल्ली। दो चम्मच रेड चिल्ली भी ऐड कर देंगे इसमें। अभी ये सब चीजों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। नूडल्स मसाला भी हम इसमें ऐड कर देंगे और सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो देखिए गाइस, तैयार है हमारा चिकन हक्का नूडल्स। रेस्टोरेंट जैसा मेरे स्टाइल में ये मैंने इसे बनाया है। इतना स्वादिष्ट दिख रहा है ना, खाने में भी बहुत ही यम्मी बना है ये। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी ऐसी रेसिपीज की सारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कुछ ना समझे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो।